सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस समय 2020 में आईफोन XR आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अभी मेरे पास है आईफोन XR। ये 4 महीने पुराना फ़ोन है और वाइट कलर में आप लोग देख सकते हो। और इसकी लॉन्चिंग प्राइस दोस्तों 80,000 प्लस में थी। और इस समय इस फ़ोन की बात करें तो इसमें आपको A13 बायोनिक चिप नहीं मिलता है, A12 बायोनिक चिप सेट मिलता है जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था। लेकिन 2020 में भी ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है और ये फ़ोन एप्पल की तरफ से सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये पहला फ़ोन है। बात करें 2020 में तो इसकी प्राइस जो है वो आपको 46,000 आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है। बात करें इसके कैमरे की तो आपको पीछे की तरफ आपको 12 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा इसका जो है 7 मेगापिक्सल मिल जाता है। लेकिन एप्पल का 7 मेगापिक्सल का कैमरा भी एंड्रॉयड के 20 मेगापिक्सल 25 मेगापिक्सल के बराबर ही होता है। और इसकी जो बैटरी है गाइज़ वो बहुत बढ़िया है। 45,000 रुपये की प्राइस में एंड्रॉयड में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ROG फ़ोन, वन प्लस और सैमसंग वगैरह। लेकिन एप्पल में एक प्रॉब्लम होती है, जैसा कि आप लोग जानते हो, उसकी जो बैटरी बहुत कम चलती है, हीटिंग प्रॉब्लम वगैरह जो होती है। लेकिन आईफोन XR में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जो आपको फेस करनी पड़े। और इसका जो ब्राइटनेस वगैरह है सब कुछ बढ़िया है। रही बात जो अपडेट आते रहते हैं एप्पल की तरफ से, वो भी इसमें iOS 14 का अपडेट जल्द ही मिलेगा। जैसे ही इसका जो अपडेट आता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो बात करें कि आपको 2020 में ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, तो अभी भी गाइस ये ख़रीदने के लायक है, ये आप ख़रीद सकते हो। और आने वाले 4-5 साल तक आपको इस फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एप्पल सितंबर में हर साल अपने नए आईफोन मॉडल को लॉन्च करता है तो अपने एक पुराने आईफोन को डिसकंटिन्यू कर देता है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार आईफोन XR या फिर आईफोन 11 प्रो या फिर 11 को जो है डिसकंटिन्यू कर दे, क्योंकि ये आईफोन XR 3 साल पुराना है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2020 में इसको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये फ़ोन ख़रीदने के लायक है, क्योंकि इसकी जो बैटरी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस सारा कुछ बढ़िया है। A12 बायोनिक चिप है जो कि क्वालकम स्नैपड्रैगन 865 प्लस तक को भी टक्कर दे सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो है क्वालकम स्नैपड्रैगन 865 प्लस, और इसमें A12 बायोनिक चिपसेट लगा हुआ है जो कि काफ़ी फास्ट है और अच्छे खासे जो है टक्कर दे देगा। सो अगर आपको ख़रीदना है तो आप बिल्कुल इसको ख़रीद सकते हो, अदरवाइज़ आपको वेट करना है तो वेट भी कर सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार जो आईफोन 12 हैं वो काफ़ी लेट आने वाले हैं और उनकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी, पहले ये आ रहा था कि जो है प्राइस वो काफ़ी कम आएगी, लेकिन इस बार जो है प्राइस उनकी काफ़ी जो है महंगी हो सकती है। ये अभी 2-4 दिन पहले ही लीक निकल के आया है कि इसकी जो प्राइस है वो महंगी हो सकती है आईफोन 11 के मुकाबले। आईफोन 11 दोस्तों 63,000 रुपये में लॉन्च हुआ था, लेकिन आईफोन 12 जो है, इस बार 4 फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं जैसा कि आप लोग जानते हो, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 मैक्स और आईफोन 12 प्रो मैक्स। सो ये 4 हैंडसेट लॉन्च होने वाले हैं, इनके जो प्राइस है वो ज़्यादा हो सकती है आईफोन 11 के मुकाबले। और इस बार के जो आईफोन है उनमें आपको ना ही चार्जर मिलेगा, ना ही जो ईयरफोन्स मिलेंगे, सिर्फ आपको फ़ोन मिलेगा, वो भी इतना महंगा। सो बजाय उसकी आप इस फ़ोन को ख़रीद सकते हो। ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। पीछे की तरफ आपको ग्लास टाइप पैनल मिल जाता है और इसका एक डिसकंटिन्यू होने का एक कारण ये भी है, जो आप लोग ये पीछे लोगो देख रहे हो, जो आईफोन 11 है उसका लोगो यहाँ पे सेंटर में दिया हुआ है, जबकि आईफोन XR का लोगो ऊपर है। सो आप इसको ख़रीद सकते हो, मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ आप लोग इसको ख़रीद सकते हो। 46,000 में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, जब आईफोन 12 आएगा तब इसकी प्राइस थोड़ी सी और कट हो सकती है और तब भी आप इसको ख़रीद सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय भी काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूज़ हैं कि आईफोन 6s लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सो उनको मैं बताऊंगा उसकी बजाय आईफोन XR ले सकते हो, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। और चाहे आप 64 GB वेरियंट में जा सकते हो या फिर आप 128 GB में जा सकते हो, सो फ़ोन काफ़ी बढ़िया, आप इसको ख़रीद सकते हो। मेरी तरफ से बिल्कुल आपको मैं सजेशन कर रहा हूँ कि आप जो है इसको ख़रीद सकते हो। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।